लास्ट हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन नाउ नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज मॉडर्न मेथड्स इसीलिए इसलिए, इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिकली भी हमारे लिए सही रहते हैं और इनसे ज़्यादा वाटर भी वेस्ट नहीं होता और ना ज़्यादा इन पर खर्च होता है फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अन ईवन लैंड ये सिस्टम कौन सी ज़मीन पे ज़्यादा सही रहता है अन ईवन मीन्स असमतल मतलब जो बराबर नहीं होती द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर की साइड में नोजल्स रोटेटिंग नोजल्स लगी होती है एट द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइप लाइन ऐट रेगुलर इंटरवल्स ये थोड़ी थोड़ी दूर से रेग जो मेन पाइप होता है उससे कनेक्ट होती है वैन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पम्प इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल कैप्स जब मेन पाइप से जब पानी ऑन किया जाता है तो ये पानी जो होता है जो रोटेटिंग नोजल कैप होती है उसमें से बाहर आता है इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप और ये क्रॉप जो भी है उसके ऊपर स्प्रिंकल्ड मतलब फुहारे की तरह उस पर लगता है ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग और ऐसे लगता है जैसे क्रॉप पे बारिश हो रही है स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स ये गार्डन्स वगैरह के लिए भी बहुत यूज़फुल है कॉफी प्लांटेशन एंड सेवर अदर क्रॉप्स कॉफी प्लांटेशन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है फिर है ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम मीन्स बूंद बूंद वाला सिस्टम इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स इसमें पानी जो होता है बूंद बूंद करके पाइप में से बाहर आता है जो डायरेक्ट रूट के पास ही पाइप लगा होता है इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट ये जो बेस्ट टेक्निक है पानी देने के लिए उन पौधों को जैसे फ्रूट प्लांट्स जो भी होते हैं एप्पल का प्लांट है जो भी एनीथिंग एल्स गार्डन्स एंड ट्रीज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल इसमें पानी बहुत ही कम वेस्ट होता है इट इज़ बून इन रीजनस वेयर अवेल Of water is poor. ये उन जगहों के लिए एक वरदान की तरह है है. है है? पे पानी बहुत ही कम होता है. Next protection from weeds. Crops को weeds से कैसे सेव किया जाता पहली जब अपने नियर बाय पास वाले फील्ड में गए तो उन्होंने देखा व्हीट प्लांट्स के साथ में कुछ और प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आप फील्ड में देखते हो कि क्रॉप जो भी आपने ग्रो की उसके साथ में अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग और जो भी मेथड वगैरह वीड्स को रिमूव या कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको वीडिंग बोलते हैं वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पेड विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर वीडिंग वीडिंग जो मेथड है वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप्स के पास में ग्रो होते हैं फिर उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करना होता है सॉइल में से तो वो उससे कम्पीट करते हैं मतलब वो जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस वजह से जो मेन क्रॉप है उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती दस दे एफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इसकी वजह से वो क्रॉप की ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं some weeds interfere इवन in हार्वेस्टिंग एंड may be poisonous फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन beings. कुछ विड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब क्रॉप के साथ में कट कर लिए जाते हैं तो वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव विड्स एंड कंट्रोल देयर गर्द ग्रोथ फार्मर्स बहुत सारे वेज यूज करते हैं विड्स को रिमूव करने के लिए उनको या तो उनको काट देते हैं उनको टॉप ऑफ द सॉइल के नियर बाय से उनको काट देते हैं द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ विड्स इज बिफोर जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है जब वीड्स को रिमूव कर सकते हैं वो होता है उससे पहले जब उनके फ्लावर्स वगैरह लगने स्टार्ट होते हैं उससे पहले ही उनको रिमूव कर दिया जाए एक तो खुरपी की हेल्प से उनको रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट है सीड ड्रिल से भी उसको रिमूव किया जाता है विड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल्स कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से विड्स को कंट्रोल किया जाता है उनको वेडिसाइड्स बोलते हैं जैसे टू कमा फोर डी इसको स्प्रे किया जाता है पूरी क्रॉप पे दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप बट ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते बट विड्स को रिमूव कर देते हैं विड्स आर डायल्यूटेड विद वेडिसाइड्स आर डायल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद स्प्रे इनके साथ वाटर भी ऐड किया जाता है ताकि इनकी क्वान्टिटी बढ़ जाए और फील्ड्स में स्प्रे कर दें Already mentioned the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering. जब उनके flower वगैरह ना निकले, उस time अगर spray कर दिया जाए तो weeds को remove करना easy हो जाता है. Spraying of weedicides may affect the health of farmers. जब भी spray करते हैं तो ये farmers की health को भी affect करते हैं, इसलिए इस chemical से उन्हें careful रहना चाहिए और अपने मुंह पे कपड़ा ढकके ही spray करना चाहिए. Next है harvesting. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग भी एग्रीकल्चर का मेन पार्ट होता है इस इसमें क्या होता है जब फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं अपन तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट या तो उसको डायरेक्ट हाथ से पकड़ के खींचा जाता है ज़मीन से या फिर उसको ज़मीन के पास में से काटा जाता है किसकी हेल्प से इट इज यूजली टेक और ये जो होता है फसल जो होती है तीन या चार महीने लेती है अच्छे तरीके से पकने में हार्वेस्टिंग इज कं इन कंट्री एट द डन बाय यूल्यू बाय सिक्कल और ये जो काटी जाती है सॉइल के पास में से फसल को काटे जाते हैं किसकी हेल्प से सिक्कल इसको दाँता वगैरह कुछ ऐसा ही बोलते हैं ओके इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड इसमें क्या करते हैं हार्वेस्ट क्रॉप को काटने के बाद जो भी अनाज होता है उसको अलग किया जाता है चैप से अलग किया जाता है इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं इसमें जो भी अनवांटेड थिंग्स होती है जो भी कचरा वगैरह या जो फोल्डर वगैरह होता है वो अलग हो जाता है और जो अनाज होता है वो अलग हो जाता है दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन आर कॉल्ड मशीन कॉल्ड कम्बाइन इन फैक्ट हारवेस्टर एज वेल थ्रेसर एक मशीन जो कम्बाइंड मशीन होती है जो उसमें हारवेस्टर भी होता है और थ्रेसर भी होता है जिससे कटाई हो जाती है उसके बाद थ्रेसिंग भी हो जाती है फार्मर्स विद स्मॉल हेल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ बाई विनोविंग जिन फार्मर्स के स्मॉल फील्ड्स वगैरह होते हैं वो इस प्रोसेस को विनोविंग के थ्रू करते हैं विनोविंग मशीन विनोविंग मशीन के थ्रू ओके okay? फिर है स्टोरेज स्टोरेज एट लास्ट ये लास्ट पार्ट है एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के जो भी अपन ने पढ़े थे आगे ऊपर वाले सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था देन ये एट लास्ट स्टोरेज स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्वेस्टेड ग्रेन आर इनको हार्वेस्टेड जो भी काटी हुई फसल है उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कैसे सेव किया जा सकता है मॉइस्चर इंसेक्ट रेट वगैरह माइक्रो ऑर्गनिजम्स वगैरह हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ट बाय ऑर्गनिज अगर जो भी क्रॉप अपन ने काटी है या जिसको अपन ने बिना सूखाए अगर डाल दिया स्टोर कर दिया है तो वो खराब हो सकती है मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन हैंड्स बिफोर स्टोरिंग दैम द क्रेन ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन तो स्टोर करने से पहले उस क्रॉप को अच्छे से सूखा देना चाहिए दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाई इंसेक्ट इसकी वजह से उनपे इंसेक्ट वगैरह बैक्टीरिया फंजाए कोई भी अटैक नहीं कर पाता नेक्स्ट है फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स मेटेलिक बीन्स मेटेलिक बीन्स वगैरह जूट बैग्स में इनको स्टोर करते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलॉज साइलॉज एंड ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट रेड्स एंड इंसेक्ट इंसेक्ट्स चूहे वगैरह हैं उनसे बचाने के लिए ड्राइड नीम लीव्स नीम लीव्स जो होती है नीम की पत्तियाँ होती हैं उनको भी यूज़ किया जाता है स्टोरेज में

वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्वस आ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी अपन ही पड़े स्टेप्स कौन कौन से पहले सीड्स को सेलेक्ट करना शोविंग एक्सेट्रा आपको जो भी पढ़ाए थे एट प्रोसेस थे सिमिलरली एनिमल्स प्रोवाइडेड रियर्ड एट होम इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड वैसे ही एनिमल्स को भी प्रॉपर फूड की नीड होती है जो फार्म्स वगैरह पे पाले जाते हैं हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ फॉर शेल्टर एंड केयर व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री जब ये बहुत ही लार्ज स्केल में ये सारा काम होता है एनिमल्स को पालना उनको खाना खिलाना तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं पशुपालन ओके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है